आज मैं आपके सामने मेदू वड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका मैं बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ एक बाउल उड़द दाल ली है, इसे मैंने अच्छे से 3 से 4 बार वॉश करके इसे ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। तो हमारी उड़द दाल परफेक्ट भीग चुकी है, अपने क्वांटिटी के डबल हो चुकी है। तो अब हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। मैं जो तरीका बता रही हूँ इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिए, तो आपके मेदू वड़ा परफेक्ट बनेंगे। तो मैंने यहाँ एक मिक्सी जार में उड़द दाल डाली है, इसमें मैंने 2 हरी मिर्च को इस तरह कट करके डाला है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ कड़ी पत्ता डालेंगे, 10 से 12 पत्ते। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इससे पानी नहीं डालना है और इसे हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह बीच बीच में आप चम्मच से इस तरह हिलाकर पीस लीजिए, थोड़ा समय लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ इसकी एक पेस्ट बना ली है, ये बहुत थिक भी नहीं है थिन भी नहीं है, तो ये एक दरदरी सी पेस्ट है, बहुत ज़्यादा भी दरदरी नहीं है। इस तरह की एक पेस्ट बना लीजिए। तो अब हम इसमें आगे की प्रोसेस करते हैं। तो मैंने यहाँ 1/2 चम्मच इसमें जीरा डाला है, इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, दरदरा पिसा हुआ। इस मेथड से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। इसके बाद यहाँ मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा डालने से मेदू वड़े ऊपर से सुपर क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बनते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अपने हाथ को अच्छे से वॉश करके हम इस बैटर को 5 से 6 घंटे इस तरह बीट कर लेंगे, फेंट लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह फेंटना है, इससे हमारा बैटर फ्लफ़ी हो जाएगा और हमारे मेदू वड़े बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने यहाँ 2 तरीके बताए, आपको जो तरीका बेटर लगे आप उस तरीके से मेदू वड़ा बनाइए। तो देखिए मैं जिस तरीके से फेंट रही हूँ इस तरह से आप भी कीजिए। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। तो अब हमारा बैटर ठीक तरीके से परफेक्ट फ्लफी हुआ है नहीं ये देखने के लिए हम एक पोर्शन लेंगे। और एक कटोरी में मैंने यहाँ पानी लिया है, तो पानी में हम बैटर डालेंगे। तो देखिए हमारा बैटर परफेक्ट लाइट वेट है, तो देखिए पानी के ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब हमारा बैटर परफेक्ट बीट हो चुका है। तो अब हम हाथ को इस तरह पानी लगा लेंगे, मेदू वड़ा बनाते वक्त हाथ को पानी ज़रूर लगा लीजिए, इससे बैटर आप हाथ को चिपकेगा नहीं। तो इस तरह छोटे छोटे पोर्शन लेंगे और इस तरह बीच में अंगूठे से छेद करके हम मेदू वड़ा को तेल में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना आसान तरीका मैं बता रही हूँ, इसी तरह हम सभी मेदू वड़ा फ्राई कर लेंगे। हम फ्लेम को मीडियम टू हाई के दरमियान रखेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हम दूसरी साइड से भी इसे इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट में हमारे मेदू वड़ा परफेक्ट पक चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको एक और बढ़िया तरीका बता रही हूँ जिसे आप इस्तेमाल करके परफेक्ट मेदू वड़ा बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी इसे बना सकता है। तो मैंने यहाँ एक चारा लिया है, ये सबके घर में आसानी से मिल जाता है। तो इसे मैंने थोड़ा पानी लगा लिया है ऊपर साइड में। तो हम इस तरह ये बैटर लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो अब हम उंगली से इस तरह बीच में इसे छेद करेंगे, देखिए, और तेल में इस तरह हमें इसे चम्मच को हिलाना है। तो हमारा मेदू वड़ा देखिए किस तरह परफेक्ट कलर इसका साइज़ हो गया है। तो अब हम मैं दूसरा भी बताती हूँ, देखिए इस तरह से अच्छी तरह सेट कीजिए। दूसरी बार भी बनाते वक्त इसे पानी ही लगाना है, पानी लगा कर ही डालिए। तो देखिए दूसरा भी मेदू वड़ा मैंने डाल दिया है, फ्लेम को
मीडियम टू हाई के दरमियान रखिए और कलर चेंज होने के बाद इसे पलट दीजिए और दूसरे साइड से भी इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। तो देखिए मेदू वड़ा हमारे रेडी हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए रेडी है हमारे मेदू वड़ा।